हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की आज की रणनीति के ऊपर। बातचीत करने से पहले हमने कल के लिए क्या रणनीति बनाई थी, कल कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ, क्या सपोर्ट बताए थे, क्या रेजिस्टेंस बताए थे, कहां पर आप लोगों ने कैपिटलाइज किया होगा, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मेरी इस यूट्यूब और सर्विसेज से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। कई लोगों का धंधा बंद हो गया है या फिर कई लोगों का होने वाला है, बहुत परेशान है। कर भला तो हो भला, आज नहीं तो कल। बदमाश लोगों का कामकाज बंद हो गई, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है अभी भी। समझ जाओ, आप लोगों को लग रहा है कि घर में बैठ के हम लोग काम कर लेंगे चुपचाप से, फेक आईडी बना लेंगे, फेक नंबर ले लेंगे, अपने नाम पे नंबर नहीं लेंगे, कामकाज कर लेंगे। भैया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी, सब पकड़ में आ जाओगे। बहुत सारे लोग हैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मेरे इधर कमेंट में करते हैं, उनको मैं रिपोर्ट तो करता ही हूँ, उनका चैनल तो ब्लॉक हो गई होगा, उनका कामकाज भी बंद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके सब इकट्ठे करके रख रहा हूँ, बहुत परेशानी होने वाली। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग, यार मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हूँ, लोग अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा डालते हैं और फिर ग्रुप में जुड़ जाते हैं और फिर पैसा निकाल लेते हैं। ये एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही है और ये कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितना करूं, कितना मैन पावर अपॉइंट करूं, कितना ट्रैक करूं, मार्केट को एनालाइज करूं या फिर आप लोगों के लिए क्लेरिकल काम करूं। भैया ईमान तहे दिल से काम कर रहा हूं, एकदम दिल लगा के, ना कोई चोरी, ना कोई बेईमानी, ना कोई लूट, ना कोई गलत कमिटमेंट। जो करता हूँ आके आपके सामने करता हूँ। तो जो लोग गलत लोग हैं उन लोगों से एक बार आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ कि भैया जो अच्छे लोग हैं उनको आप लोगों की वजह से परेशानी हो जाएगी, आप लोग भी सही काम चालू कर दीजिए। मैंने आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर आप ट्रांसलेटर बन जाइए दूसरी लैंग्वेजेस के, या फिर इंट्रोड्यूसर बन जाइए। रिसर्च सपोर्ट हमारा रहेगा और बैकएंड सपोर्ट चॉइस का रहेगा ही रहेगा, तो फिर क्यों नहीं सीधे तरीके से काम करना। पैसा लेट मिलेगा लेकिन शानदार पैसा मिलेगा और बोल पाओगे कि मेहनत का कमाया हुआ है। ऐसे चोरी बेईमानी करके कोई फायदा नहीं है। दूसरा, चलिए मार्केट की बात करता हूँ, बाकी बातें नहीं करता। कल क्रूड को आप लोगों को सपोर्ट बताया था 2777 का और रेजिस्टेंस बताया था 2195 का। रणनीति कोई नहीं बताई थी, बस कहा था कि लोअर लेवल पे बाय करो, हायर लेवल पे सेल करो, लेकिन स्पेसिफाई किया था कल कि 2777 लगता है मुझे। और देखो रात तक वो 2700 भी आ गया था, यानी कि आप लोगों को वीडियो देख के एक ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि अगर लॉन्ग में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो और अगर शॉर्ट में हो तो यहाँ तक वेट कर सकते हो। अपनी शॉर्ट की पोजिशन में अगर लॉस हो रहा है तो एक सही पॉइंट मिल जाता है कि वहाँ एग्जिट करना है। जो लोगों को एक्चुअली ये लेवल्स की लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, जो मैं आप लोगों को यूट्यूब में आके दे देता हूँ। ओफ, बहुत अपसेट करके रखा है मेरे को लोगों ने। चलिए बात करता हूँ नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का आप लोगों को कोई रणनीति बताया नहीं था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लो भागो वाला बाजार है और वही देखने को मिल रहा है। तीसरा हफ्ता ही है नेचुरल गैस का, ऐसे ही चल रहा है। गोल्ड में कल आप लोगों को 450 तक सेल करने कहा था, 551 का स्टॉप लॉस दिया था, स्टॉप लॉस हो गया था, छोटा सा स्टॉप लॉस था 100 रुपये का। अगर बड़ा गोल्ड किया होगा तो 20,000 रुपये का नुकसान हुआ होगा, अपन 10,000 रुपये का नुकसान हुआ होगा, और छोटे गोल्ड में किया होगा तो उसको 1,000 रुपये का नुकसान हुआ होगा। मैं तो अपनी परफॉर्मेंस शीट में 5 लाख की कैपिटल होने के बावजूद भी सिर्फ 2 महीने का कामकाज लेखा जोखा करता हूँ, 2,000 रुपये का नुकसान। लेकिन सिल्वर ने तो कल घमासान कर दिया। सिल्वर का आप लोगों को परसों मैंने सेल कॉल दिया था, 48,800 के आसपास सेल करना था, 49,051 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, यानी कि आज से 48 घंटा पहले। कल इवनिंग तक उसका हाई 49,039 का था और एक बार 49 का था, वहां से बाजार अपने एग्जिट दिया प्रॉफिट में, फिर वापस गया। कल ऊपर सेल करने कहा था आप लोगों को 49,400 तक और 601 का स्टॉप लॉस दिया था, 200 रुपये का स्टॉप लॉस था। टारगेट आप लोगों को दिए थे 48,740 का टारगेट आज लग गया है। मेरी परफॉर्मेंस शीट में 190 की एंट्री रिकॉर्ड कर लिया हूँ,
क्यों रिकॉर्ड कर लिया हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे भी जो हर एक चीज़ का बाल की खाल निकालते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखो आपका प्रॉफिट और मेरा प्रॉफिट 100% तो मैच कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप लोग कभी सोचते हो कि 150 का टारगेट 155 में कवर कर लूँ, 200 में कवर कर लूँ, 500 रुपये कमा लिया हूँ, कभी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे, कभी लगेगा आज थोड़ा ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो आपके इमोशंस मेरे परफॉर्मेंस के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो मोर और लेस कभी आप मेरे से 20% ज़्यादा परफॉर्म कर जाओगे या फिर मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों से 20% ज़्यादा परफॉर्म कर जाएगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई अपने परफॉर्मेंस में, तो अभी तक अपन 200% मुनाफा निकाल चुके हैं। 200% मुनाफा अपनी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट अपना नेट ब्रोकरेज एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद और 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद, ताकि ये सब जो पॉसिबिलिटी होती है ऊपर नीचे कवर कर लिया, कभी फर्स्ट टारगेट में आपने कवर किया, कभी थर्ड टारगेट में हमारा कवर हुआ, तो वो सारी प्रोबेबिलिटी सारी कंटिजेंसीज वहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। और मेरी तरफ से अगर कोई एंट्री में गड़बड़ भी हो गई तो भी वो कवर हो जाता है। वाह 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 वाह, सिल्वर का अपना टारगेट अचीव हो रहा है अभी, सेल कॉल दी हुई सुबह, 49,601 का स्टॉप लॉस दिया था, कल 600 का हाई था और वहाँ से 1,000 रुपये, डेढ़ हज़ार रुपये नीचे आई बाजार। यानी कि एक लॉट में, बड़े लॉट में 45,000 रुपये का मुनाफा हुआ होगा, 10,000 रुपये गोल्ड में लॉस भी हो गया, तो भी सिल्वर में 45,000 रुपये मिला, 35,000 रुपये घर में लेके गए होंगे कल आप लोग, गए कि नहीं गए? कल बहुत मज़ा आया सिल्वर में। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज के लिए क्या रणनीति निकल के आ रही है। मैं छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को एक दे देता हूँ कि मैंने आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या करवाया है। मन कर रहा है थोड़ा सा मोटिवेट होने का अपने आप से। 2652 का क्रूड लो है, 2660 में बाय करवाया हुआ है, टारगेट नहीं बताऊँगा, स्टॉप लॉस नहीं बताऊँगा, आप लोगों को व्हाट्सएप में कनेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन 2660 में आज बाय कराया, 2652 का लो है और अभी 2773 चल रहा है, यानी कि एक एक लॉट में 12-13,000 रुपये का मुनाफा होगा। सिल्वर को सेल करवाया हुआ, सिल्वर पहला टारगेट अचीव कर दिया अपनी। चलिए ये तो खैर बात की बात है, मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 2771, इसका हाई पोस्ट हुआ है 2787 का, लो पोस्ट हुआ है 2652 का। क्रूड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 2735, 2735, 2704, 2610। रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 2805, 2805 और 2980 के। अगर आप लोग चाहें 2705 और 2730, देखो एक जगह तो मेरी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है क्रूड ऑयल बाय की। अब अगर आप लोगों को बाय कॉल जनरेट होता तो मेरे पास दो दो एंट्री हो जाएगी और उतना मार्जिन तो होता नहीं है मेरे पास। मैं तो एकदम रैशनली एक एंट्री एक जगह लेता हूँ तो दूसरी जगह नहीं लेता, दूसरी जगह लेता हूँ तो पहली जगह नहीं लेता, यानी एंट्री एक ही जगह होती है। लेकिन आज लग रहा है मुझे कि शायद दोनों जगह एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पोजिशनल कॉल जनरेट किया हुआ है व्हाट्सएप में और आप लोगों को दे रहा हूँ मैं ट्रेडिंग कॉल। 2705 और 2735 के आसपास मिले तो वहाँ पर बाय करिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 2650 का, टारगेट एक्सपेक्ट करिए आप 3805 और 3855 के और 2980 तक के। ये होगी हमारी क्रूड की रणनीति। अच्छा मैं आप लोगों को स्पेकुलेशन करने से मना करता हूँ, लीवरेज इस्तेमाल करने से मना करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करने से मना करता हूँ। लीवरेज इस्तेमाल नहीं करने का मतलब क्या होता है? पूरा मार्जिन देके हम लोग कामकाज कर रहे हैं, पूरा मार्जिन देके कामकाज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? आपने अगर पोजीशन बिल्टअप की है तो आप उसके फुल एंड फाइनल टारगेट तक आज अचीव नहीं हो, 8 दिन में अचीव हो, आप होल्ड कर सकते हैं जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं होता या फिर फ्रेश लेवल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए जाते। तो अगर कल मैंने कॉल जनरेट किया और आज अगर उसका टारगेट अचीव हो रहा है तो मैं उसको भी लेता हूं, क्योंकि मेरा रूल आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो क्रूड की रणनीति क्लियर है। बात करता हूं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अभी चल रही है 135.80, 135.50 का लो पोस्ट की है, 138.50 का हाई पोस्ट की है। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 135.30, 133.90 और 131.70। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 137.20, 139, 142.40। मुझे आज भी नहीं लगता ऐसा कोई घमासान होने वाला है, ये 134 और ऊपर 139 तक की रेंज में ही लगती है। मेरी तरफ से कोई रणनीति नहीं है क्रूड ऑयल में, मैं एक रणनीति बता चुका हूँ। गोल्ड, गोल्ड अभी चल रहा है 47,205। गोल्ड के गोल्ड मैंने 320 रुपये बिकवाया आज 47,320 में और 47,175 का टारगेट दिया हुआ है, अभी नियर टारगेट है 47,175। आज का मेरा दूध का दूध पानी का पानी देखिएगा, पिछले 15 दिन में जो जो गलतियाँ की है सारी भरपाई हो गई आज। और आप लोग तो YouTube से 2-5 हज़ार रुपये कमाना है तो YouTube बहुत है, कहीं कोई जुड़ने की ज़रूरत नहीं है।
47,150 का पहला सपोर्ट है, 46,930 का दूसरा सपोर्ट है, 46,760 का तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 47,325, 47,480, 47,690। फ्राइडे है आज, घमासान कुछ भी हो सकता है, वीकेंड होता है तो यूजुअली हम देखते हैं फ्राइडे को कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। कर क्या सकते हैं 47, आप लोगों को भी वो कॉल दे रहा हूँ, 47,275, 325 के बीच में सेल कर सकते हैं, 47,401 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं, सिल्वर अभी चल रही है 48,000, इसका लो पोस्ट हुआ है 47,500 का, हाई पोस्ट हुआ है 48,259 का। सिल्वर को सेल कर सकते हैं 48,150 और 48,300 तक की रेंज में, 48,501 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि ये कॉल मेरा सुबह ही जनरेट कर दिया हूँ और इसको अपने दूसरी जो अपने व्हाट्सएप और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की जो परफॉर्मेंस शीट बनती है उसमें रिकॉर्ड कर लिया हूँ। आप लोगों को भी अगर ये भाव मिले तो सेल करिए, 500-401 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक बार इसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, 48,070 का टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में नहीं लूँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये व्हाट्सएप वाले बुक कर लेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम वाले बुक कर लेंगे और आप लोग बुक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग चाहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे काम कर सकते हैं। गोल्ड की एंट्री मैं लूँगा अभी, क्योंकि उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तीसरा कॉपर अभी चल रही है 442.15, इसका हाई पोस्ट हुआ है 445.20, 440.50 का लो पोस्ट हुआ है और 442.25 अभी चल रही है। कॉपर को भी आज मैंने 445 रुपये में बिकवाया हुआ है, 442 रुपये में कवर करने कहा था, अभी शायद कवर हो गई होगी। 441.65 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, 433 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप 441 रुपये को काट देती है तो हो सकता है 433 रुपये और 432 रुपये तक आ जाए, 433-432। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 445.50, 450.70, 452.80, 445.20 के आसपास सेल, 445 के आसपास सेल करवाया है, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करवा के 446.10 करवा दिया है। तो अब मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक जगह प्रॉफिट बुक हो चुका है, कन्फ्यूजन हो जाएगा उन लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे काम कर सकते हैं। गोल्ड की एंट्री लूँगा मैं, क्रूड की एंट्री लूँगा मैं, नेचुरल गैस की कोई एंट्री नहीं लूँगा, सिल्वर की कोई एंट्री नहीं लूँगा, कॉपर की कोई एंट्री नहीं लूँगा। आप लोग चाहें सपोर्ट लेवल, जिसको 2-5 हज़ार रुपये कमाना है, ऐसा मुझे लगता है, इतने टाइम से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स के अनुसार भी काम करके आप 2-5 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, कहीं जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस केयरफुली वीडियो को सुनो, राइट डाउन कर लो लेवल्स को और उस लेवल्स में एग्जीक्यूशन करो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो सब जगह जुड़ सकते हैं, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं मार्केट के बारे में आप लोगों को जो पब्लिकली आके बोलता हूँ उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दिया होता है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।